बहुत ही दुखी मन से आपको बताने जा रहा हूँ। सिलचर इटखोला में रहने वाले सम्मानित प्रतिष्ठित शिक्षाविद, साहित्यकार, समाजसेवी माननीय श्री अशोक वर्मा जी की धर्मपत्नी और हम सबकी प्रिय अन्नपूर्णा दीदी का पिछले 1 जून को सुबह 6:20 पर स्वर्गवास हो गया। बराक घाटी के लिए एक बहुत ही गहरा धक्का है, एक अपूर्णीय क्षति है विद्वत समाज के लिए, साहित्य समाज के लिए, शिक्षा जगत के लिए और मानवीय संवेदनाओं का जीवन जीने वाले सभी लोगों के लिए। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा, वो विवाहित जीवन जी रही थी। 1978 में उनका माननीय श्री अशोक वर्मा जी के साथ शुभ विवाह हुआ था। नेहरू हाई स्कूल पहला पुल में शिक्षिका थी और इटखोला में रहती थी। पूरा जीवन उन्होंने एक साथ कई दायित्वों का बड़े ही अनुशासन और नियमबद्धता के साथ पालन किया। घर में गृहिणी थी, स्कूल में शिक्षिका थी, कहीं सामाजिक कार्यकर्त्री थी, कहीं साहित्यकार थी और बड़ा ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व था अन्नपूर्णा दीदी का। बड़ा अपनापन, ममत्व, स्नेह से भरी हुई थी। जो भी उनसे मिलता था उनका ही होकर के रह जाता था। पिछले 30 जून को उनका फोन आया था और उन्होंने बताया कि बीमार है। हमको बोली एक बार मिले आ जा बबुआ, याद आता है। मैं 1 तारीख को सुबह उनसे मिलने जाने वाला था और उसके पहले ही खबर आ गई उनके परलोक गमन की। डॉक्टर ने बताया उनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ है। हम लोग जब गए उनको देखने के लिए तो बिस्तर पर चीर निद्रा में सोई हुई थी। लग रहा था कि अभी उठ के बैठ जाएंगी। एक तेज दिखाई दे रहा था, शांत चित्त गहरी निद्रा में सोई हुई लग रही थी। इटखोला में उनका देहावसान हुआ और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक निवास काशीपुर ले जाया गया, जहां उनके एकमात्र पुत्र त्रिवेणी पंकज वर्मा के आने के बाद 2 तारीख को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरे साथ उनके बहुत ही गहरे संबंध थे। बराबर वो बुलाती रहती थी या कभी भी चले जाइए तो बिना कुछ खिलाए पिलाए आने नहीं देती थी। छोटे भाई के समान स्नेह करती थी और अपने घर में वो भी शिक्षिका थी, पति भी शिक्षक थे, दोनों का व्यस्त जीवन। लेकिन सुबह समय से उठना, सारी तैयारियां करना, स्कूल जाने से पहले वर्मा जी के लिए भोजन जलपान इत्यादि तैयार करना, फिर स्कूल निकल जाना, जाकर के स्कूल में पढ़ाना, फिर 30 किलोमीटर प्रतिदिन आना और जाना करती थी। आ करके फिर से अपने घरेलू दायित्वों का पालन करना, बाजार करना। बड़ा ही अद्भुत और परिश्रमी और कर्मठ व्यक्तित्व था अन्नपूर्णा दीदी का। घर के दायित्वों को संभालती थी, विद्यालय के दायित्वों को संभालती थी और उसी में से समय निकाल करके साहित्य की सेवा भी करती थी। असमिया पत्रिका साको का भी संपादन करती थी वर्मा जी के साथ मिलकर के। उन्होंने असमिया में 2 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया, जिसमें एक असमिया के बराक घाटी के साहित्यकारों का संकलन भी था। हिंदी और बंगला में उनके अनेकों लेख और कविताएं
विभिन्न संकलनों में प्रकाशित हुए हैं। बराक हिंदी साहित्य समिति, हिंदी भाषी महिला मंच, जागरण महिला समिति कछाड़ हाई स्कूल रोड सहित अनेकों संगठनों से दीदी जुड़ी हुई थी और सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह जिस भी संगठन में, जिस भी दायित्व में रहती थी वो करती थी। अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत थी दीदी। उनका यूं चले जाना हम सभी के लिए बड़ा ही कष्टदायी हुआ है, बहुत ही कष्ट हो रहा है। वो पिछले 3-4 साल से बेंगलोर रह रही थी अपने बेटे के यहाँ। वहाँ रहते हुए भी बीच बीच में फ़ोन करना, रक्षाबंधन में राखी भेजना नहीं भूलती थी। हम लोगों को हमेशा याद आएगी दीदी। अविस्मरणीय था उनका योगदान समाज के लिए, बराक घाटी के लिए, हम सभी के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उनको शांति और मुक्ति मिले। NE24 चैनल के माध्यम से आज मैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि श्रीमती अन्नपूर्णा वर्मा जी के प्रति समर्पित करता हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।